हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नीतिका शेखर एक बार फिर से करती हूँ स्वागत दिल से। तो गाइज, आज मैं हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेकर, और कीजिए मेरे साथ अपने दिन की शुरुआत। सुबह के 7 बज गए हैं, और गाइज देखिए, रात जितना खराब मौसम था ना, तो गाइज अब इतना खराब नहीं है। अब धुंध तो है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे रोज बरसती थी पानी की तरह। तो जी आज उस चीज से थोड़ी सी राहत है, देखिए गाइज, वरना हमारा फर्श नहीं पूरा गिल्ला हुआ रहता था। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो जी ये भी अच्छी बात है, वरना उसमें ठंडी ज़्यादा हो जा। और देखिए जी, रोड पे दिखाती हूँ आपको, दूर तक दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सुबह सुबह सभी अपने काम पर लग गए, अपने डॉगीज को घुमा के लेके आ रहे। तो जी यही होती है सुबह से शुरुआत, अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो भाई चलिए, अब मैं भी पहले तो झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैंने मशीन लगा दिया, फिर मक्खन निकालूंगी, और फिर सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी, आप सबके लिए भी। तो चलिए गाइज, कीजिए अपने दिन की शुरुआत। देखिए हम आ गए थे जी अंदर देवशी को उसके पापा जी को जगाने के लिए। वैसे देवशी को तो जगाऊ नहीं थी, वो जग गई। और जी चलिए मिलिए जी इनसे भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देवशी, आप भी बोलो सबको गुड मॉर्निंग, बोलो सबको अच्छे से गुड मॉर्निंग। बोल बेटे बोल। ये थोड़ी कच्ची सी नींद उठी गई तो जी इसलिए ऐसा कर दिया, अभी इसका मन सा नहीं लग रहा, रोसी रही। और चाय वाय पतिदेव को तो पिला दी देवशी ने, अभी कुछ नहीं पिया, उसका थोड़ा सा गला दर्द कर रहा। तो जी अभी से भी थोड़ी सी चाय पिलाऊंगी, दूध तो पिलाने के लिए। तो गाइस देखिए, अब देवशी को मैं उधर छोड़ के आऊंगी मम्मी जी के रूम में, क्योंकि मुझे तो जी सबके लिए नाश्ता बनाना। और मेरे बेटा का ना थोड़ा सा गला सा दर्द कर रहा है ना, बताओ सबको क्या हो रहा, बताओ। गले में दर्द हो रहा, गले में दर्द हो रहा, ठीक हो जाएगा, सर्दी है ना, सर्दी में थोड़ा सा होता है। अच्छा अच्छे से गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्माइल के साथ बोलो, ऐसे नहीं, बात मानते हैं ना मम्मा की, बोलो। अरे गले में दर्द हो रहा। अच्छा बोला नहीं जाने का, चलो जब मूड हैप्पी होगा ना तब बोलेगी अच्छे से, ठीक है। चलो अम्मा जी के पास छोड़ के आती हूँ, आ जाओ। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। तो गाइस देखिए, अब हम आ गए हैं जी नीचे। थोड़ी सी जो मम्मी जी ने यहाँ पे मेथी लगा रखी ना, थोड़ी सी मेथी काट के लेके चलेंगे, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे पकौड़ी खाने की। और फिर ऐसा घर में खाने को बनाने का भी फिर ये सवाल था कि क्या बनाए। तो जी आलू वगैरह तो रोज ही चल रहे, तो अब हमने प्रोग्राम बना लिया कि हम कड़ी बनाएंगे, क्योंकि मट्ठा भी रखा ताजा ताजा। तो जी इसलिए देखिए यहाँ से थोड़ी सी मेथी लेकर जाऊंगी, जो कड़ी में भी डाल लेंगे और पकौड़ियों में भी। तो गाइस चलिए अब थोड़ी सी कटिंग करेंगे मेथी की, यहाँ से ताजी ताजी मेथी की। तो गाइस देखिए, हमने थोड़ी सी पालक की और मेथी कटिंग कर ली, अब चलेंगे जी इनको ऊपर लेकर। अच्छा मैं मोटू, तुम पतलू। अच्छा मैं पतलू, आप मोटू। अच्छा ठीक है मोटू भाई, चले ऊपर, चलो गो। तो गाइस देखिए, टाइम हो गए जी 11 बजने वाले, और हम कर रहे जी खाने की तैयारी। और आज मम्मी जी ने उठा लिया पीड़ा, कड़ी चावल, चावल तो बनाते नहीं, कड़ी बनाने का। आज कड़ी मम्मी जी बना रही, आज मम्मी जी के हाथ ही खाएंगे सब कड़ी। और जी मिलिए मम्मी जी से भी, राम राम जी। तो जी आज स्पेशल कड़ी खाइयो मम्मी जी के हाथ की। आलू चल रहे रोज के, हाँ यही। तो जी आज कड़ी बनाई हमने, आज मट्ठा भी बढ़िया ताजा और मीठा मीठा था। ये थोड़ी सी पकौड़ी है, ये थोड़े से बच्चों के नाम के बनाए थे, मेथी के और गोभी के पकौड़े से, क्योंकि मैं कड़ी तो खाने के नहीं। और अभी उबाल आवेगा बढ़िया सा, चावल बनाते नहीं, रोटी डालूंगी मैं, पहले कड़ी बन जाएगी, तब तक मैं अपना और काम निपटा रही हूँ। भाई देखिए हमारी गर्मा गर्म कड़ी बनकर रेडी होगी जी, आइए जी आप भी खाइए, आपको भी खिलाएंगे। गाइज सर्दियों में सबके लिए बना दी हमने कड़ी, देखिए यम्मी यम्मी कड़ी बनकर रेडी होगी गाइज। और जी अभी चलेंगे मम्मी जी के पास रूम में, और गाइज अभी चलेंगे मम्मी जी के पास अंदर रूम में। टाइम हो रहे जी 12:30 बजने वाले हैं, और खाना तो अभी वैसे किसी ने नहीं खाया, बस मम्मी जी ने ही खाया। तो जी उनका मन हो रहा था चाय पीने का, क्योंकि कड़ी खाई। तो जी फिर अब थोड़ी सी उन्हें चाय दे के आऊंगी, चाय बना दी मैंने, जिसका और का मन करेगा वही भी ले लेंगे, 2 कप बना दिए मैंने। और फिर थोड़ी सी रोटियां डाल लूंगी सभी के लिए, और दादी पोती पैक हो रही तीनों रूम में। चलो जी भाई लो गर्मा गर्म चाय ले लो, चाय वाला आ गया। ड्राइंग करना।
दिखाओ। वो ड्रामी है। वो ड्रामी। ड्रामी बना दी। लो कह रही है। मैं चाय यहाँ पे रख रही पहले। नहीं बताना। बताओ ना। सीक्रेट है। अच्छा चलो अब बताओ। चलो यो प्रोजेक्ट किसी का बनाया। अरे भाई ये कौन कौन बना दिए? ये कौन बना दिए? भूत से भूत से मुझे लगे एक देवशी एक प्रीत है। नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा मैं ही बना दी। ये तो सीक्रेट है, बताना। एक पापा और एक मम्मी बना दिए गए। नहीं लग तो मुझे ऐसा ही रहा जैसे यही हो है। कौन कौन बनाए? पापा नहीं अभी कुछ नहीं। धूप दाद अभी ऐसा ही मौसम है जैसा छोड़ का इतना बाहर वही मौसम बनना झुका। तुम प्रीत क्या कर रहे बेटा? अब ना ट्यूशन का काम कर लो। आज तो ट्यूशन जाना, आज तो चले जाइए ट्यूशन। अच्छा प्रीत प्रीत और प्रीत का दूल्हा बनाया था इसने अभी। क्यों भाई? बढ़िया तो था गोल्लू मोल्लू सा, सुंदर था दूल्हा तो। अच्छा तू तो शादी नहीं करने की पर तो दूल्हे का क्या करना? वो देवशी को ही दे देंगे दूल्हा है भाई। वो दूल्हा देवशी को ही दे देंगे। मुझे किचन भी चाहिए। किचन भी चाहिए? किचन का क्या करोगे फिर आप? किचन की। अच्छा चलो जी पी लो। और ये बेटा खाना खाओ या वो लोगे पकौड़ी? बताओ क्या लोगे? चाय पीछे पकौड़ी। चलो ठीक है मैं लेकर आ रही। तो गाइस देखिए टाइम हो गए जी 2 बजने वाले और अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने इस बंदर को सुलाऊंगी, नहीं तो ये ना पति इतनी मचावे। इसे दिन में सुला देना ही ठीक रहे। मुंह में देते सही गंदा हो जाता है मुंह में देते पन्नी को। काइट कहाँ से लेके आए आप ये बताओ? काइट कहाँ से लेके आए आप बताओ सबको? दुकान पे से लेके आए। चल ड्यूटी ये तो पहली रखी थी, लास्ट ईयर की रखी थी ये तो। अच्छा और इसे कहाँ लेके जाओगे आप बताओ? मामा जी। अब जाओगे आप मामा के? अब मन बन गया आपका जाने का? रुको रुको ऐसे नहीं करते। एक नहीं ऐसे नहीं करते। तो कल कहाँ जाओगे आप बता दो सबको? बताओ सबको कल कहाँ पे जाओगे? मामा जी के। अब हम जाएंगे, कल जाएंगे आप पापा की फैमिली फंक्शन में, ट्यूशन में। ट्यूशन में? ट्यूशन में नहीं, पापा के ऑफिस में जाएंगे फंक्शन में। पापा के ऑफिस में। चलो ठीक है चले जाना। तो भाई बस अब मैं इसे सुला दूंगी, नहीं तो पता नहीं क्या बोलती रहेगी। अच्छा दिश हो तो बोल दो सबको चैनल सब्सक्राइब के लिए। आ नहीं आप सब्सक्राइबर ये बोल जाएगी दिशु से बुलवाया करो। चलो बोलो जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से करते चैनल को सब्सक्राइब। और जो चैनल में नहीं है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। जो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट जो वीडियो बनाई है वो जल्दी से देखना। लाइक शेयर कमेंट लाइक शेयर कमेंट देखना और वीडियो पूरी देखना और पेन खा लो। बदतमीजी नहीं। तो भाई देखिए आज तो धूप धाप कुछ नहीं दिखाई दी, बस दूर से सूर्यदेव दिखाई दिए कि यहाँ निकलेंगे, लेकिन निकले एनीवे कहीं और कोई निकल गए अपनी धूप लेके। यहाँ बस गली में को दर्शन दे गए और चले गए आगे कहीं और। उत्तर प्रदेश में चले गए। यहाँ उत्तराखंड में नहीं रुके आज सूर्यदेव। और बच्चे जाएंगे जब थोड़ी देर में ट्यूशन में, इन्हें चाय पानी नाश्ता करा रहे और बाहर आगे कम्बल में से और ये मन सा करो जाग। चलो बाहर गुजर के देखो पूरा दिन परेशान से हो जा अंदर बैठे बैठे। और नहीं तो आप चाय बैठे भी रहती है तो बाहर कुछ काम नहीं था। बाहर कोई मन सा लगे मन बाहर ही बैठ के लगे चाहे अंदर बैठे रहो रूम में। चलो जी बच्चों को भेजेंगे और एक हमारी मैडम गई राउंड लगाने भी घूमने, वो आ जाएगी उसे भी फिर रेडी करूंगी ट्यूशन के लिए। तो जी देखिए टाइम हो रहे शाम के 6 बज गए और प्रीत बेटा ऐसा मत बैठो अपने बिस्तर में बैठो, अभी 2 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी ठीक है अंदर बैठो। और नैन्सी दीदी को बोल दिया तुमने अपनी छुट्टी के लिए, क्या बोल रही थी? ठीक है दोनों को आराम से खेलो झगड़ा ना करो। भूत भूत कोई और खेल नहीं मिला तुम्हें खेलने को। चलो ठीक है मैं अब खाना बना रही, खाना खा लियो दोनों और खिला दियो बेटा प्रीत सबको ठीक है। मैं तो भूत हूं।
क्या भूत बना रहे? आप खिलाओगे? अरे मेरा शेर पुत्र, ठीक है चलो मैं रोटी सेक रही है, बाकी खाना खिला दियो। तो भाई देखिए हमारे पति देव तो आ गए, लेकिन जी आज इनकी हो रही तबीयत खराब, नजला जुकाम काफी हो रहा, सर्दी सी लगी इन्हें भी, तो खाना खाया इन्होंने, दवाई ले रहे, दवाई ले लो अपनी, पानी है गर्म आपके पास? हाँ जी पानी है, चलो अपनी दवाई ले लो। और गाय जी इसने देख लो 6 महीने नहीं ज्यादा हो गए, 6 महीने का होली के रखे रखा है सामान, अभी पहले बता दूं होली के रखे हुए सामान सब निकलवाए इसने, स्लेब कैसे करवाए ऊपर से बता, नहीं बता बताओ। अच्छा चलो मैं नहीं बोलती, क्या बोल रहे थे आप? ऐसे उड़ जाते नहीं ना, आराम से निकालते हैं। अब देखो ये बनेगी मुर्गा, मुर्गा बनेगी ना, दीशो दिखाइयो मुर्गा बन के सबको। तो जी ये सामान होली के रखे थे, इसने सारे निकलवा लिए मेरे से, छोड़ती नहीं, भूलती ही नहीं बात को, हमें भी याद नहीं था कि होली के सामान ऐसे ऊपर रखे। ये आ गया हमारे घर में मुर्गा, गलत लगाया, ऐसे लगेगा पापा से लगवा लो। अब बन गया भाई असली मुर्गा तो। कुकड़ुकू, अरे भाई ये तो कुकड़ुकू बन गया, कुकड़ुकू। अच्छा ये क्या, देखो हाथ दिखाइयो, सर में दर्द है, तपसी तो रात, सर में दर्द है, तो चाय ला रही मैं पहले अदरक वाली बना के, ठीक है फोन में ही लाऊंगी ना क्लियर में। रहन दो, क्यों रात नहीं पिलाई थी, रात नहीं पिलाई थी क्या बताओ? हाँ रात ही तो पिलाई थी। अच्छा तो फिर 2-3 साल में। झूठे, मेरा काम चल रहा बनाए बिना, क्या झूठ बोल रही है। ओ ये क्यों हमारे हस्बैंड, अरे भाई हम तो डर गए इससे। देख इसे शेर बनने का भूत चढ़ गया, पता नहीं क्या क्या कर रही है हमें, तो हमारे तो समझ से बाहर है। तो जी देखिए अब ये अलग अलग रूप बदल बदल के आप सबको डराएगी और हमें भी डराएगी। अरे भाई हमें तो दिशु ने डरा ही दिया, ये क्या हो गया हमारे घर पर, भूत कहाँ से आ गया हमारे घर पे? तो गाइज हमारे घर पे तो आज भूत ही आ गया है ना। क्या है? VIP पास। कल की पार्टी के लिए? अच्छा VIP. दिखाओ पास में को आके दिखाओ, क्या क्या लिख रहा है इन पे? VIP. दिखा तो आगे को आके दिखा क्या लिख रहा है इन पे। अच्छा पापा के गले में डालने का है तो। और ये वाला दिखाइए क्या है? कार पास VIP. अच्छा कार पास करने का, ठीक है रख दो बैग में ही रख दो, नहीं तो कल को फिर इनके पास के बिना खड़े रहोगे बाहर ही। हम तो तंबू। किस टाइम जाना पार्टी में? 8:30। 8:30 उठ जाओगे? मैं तो 7 बजे उठी बैठती। अच्छा रेडी हो जाओगे सुबह ही? तो तंबू में लंबू लगा। भाई देखिए ठंडी बहुत हो रही, शीतलहर का प्रकोप पूरे देश में जारी है, और जी सब अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का बड़े बूढ़ों का घर में जितने भी सब है बस अपने कंबलों में रजाई में दुबके रहो, अगर काम चले तो बैठे रहो, ना काम चले तो ही बाहर निकलो। और गाय चाय चुए तो हमने सबने पी ली, कैसी लगी चाय? तेज अदरक की बनाई थी आज, गला चीर दिया होगा, मैं कड़क सी कहते कि कड़क सी चाय बना दी, नजला जुकाम बहुत हो रहा उन्हें, बुखार आम बादाम भी दिया था, बुखार सा महसूस हो रहा उन्हें, ठंडी लगी। तो भाई जी और वो तो बता दो, सुबह कोई नए नाश्ते में क्या देना, नाश्ता तो करके जाएंगे बच्चे, क्या खाएंगे तो सुबह नाश्ते में? क्या बना? रोटी, आलू का पराठा। अच्छा आलू का पराठा खावेगा? सुबह रोटी खाई जा क्यों जाडे में रोटी मना करे, मुंह बंद हो जा रोटियों को देख के, नाश्ते में रोटी खाई जा, अरे क्यों नहीं खाई जाती, बढ़िया रहे रोटी खाओ, गर्मियों में तो प्यास लगे, सर्दियों में इतनी प्यास भी नहीं लगती, रोटी खा लेगी बेटा।
हाँ वो तो खा लेगी, इसका तो मुझे पता, देवसी पे तो मुझे भरोसा है, देवसी तो खा लेगी, वो नहीं खाने की, पर उधर पड़ी वो महारानी। चलो आलू रख दूंगी सुबह को गलने, आलू के पराठे बन जाएंगे इनके, जाएंगे भी सुबह ही 8:30 बजे जाएंगे, सुबह ही उठना बेटा, सुबह ही तैयार होना, ठीक है। कल जाएंगे जी उद्घाटन में, ऑफिस में इनके पार्टी है, तो गाइज पास पूस लेकर आ लिए डैडी इनके इनके लिए। तो जी चलिए अब अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करेंगे गाइज, कल सुबह फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। दिशो आप भी करो गुड नाइट, गुड नाइट।